कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा में क्राउड फंडिंग मामले में गिरफ्तार किए गए बिल्डर हाजी मोहम्मद वसी की संपत्तियों की जांच में नया खुलासा हुआ है। वसी का नाम सामने आने के बाद संपत्तियों की जांच की गई, जिसमें ये सामने आया कि वसी ने 5 लोगों को संपत्ति बेची और 1 से खरीदी थी। वहीं हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी ने प्रेम नगर चमनगंज में फ्लैट बनाकर बेचे, सभी में स्टाम्प चोरी करने का मामला सामने आया है। डीएम के निर्देश पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार और आईजी स्टैम्प अरुणेंद्र शर्मा ने मामले की जांच की तो 11 संपत्तियों में 16 लाख रुपए की स्टाम्प कम पाए गए। स्टाम्प की चोरी के लिए 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट में मौजूद एडीएम फाइनेंस कोर्ट में वाद भी दायर किया गया है। फिलहाल हयात जफर हाशमी और हाजी वसी दोनों ही कानपुर जेल में बंद हैं। संपत्ति की जांच में खुलासा हुआ कि एक संपत्ति 105/693 भंडानापुरवा चमनगंज को 5 अलग अलग लोगों को बेचा गया था। सभी ने स्टाम्प की चोरी कर संपत्ति को बेचा था। इसमें यूपी के बाहर के लोग भी शामिल हैं। इनमें से एक खरीदार चांद खान वल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है। मामले की जांच के दौरान वसी के बेटे ओसामा ने 88/393 हुमायूं चमनगंज में मौजूद प्रॉपर्टी अजीज़ुल हसन खां से ख़रीदी। इसमें 8,56,000 रुपये के स्टाम्प और 1,22,000 रुपये रजिस्ट्री शुल्क कम निकला है। इसी के साथ ही हयात जफर हाशमी के द्वारा बेची गई चारों संपत्तियों में 88,000 रुपये से लेकर 89,000 रुपये तक के स्टाम्प प्रति संपत्ति कम मिले हैं। मुख्तार के बेटे महफूज की ज़मीन खरीद में 66,000 रुपये की स्टाम्प चोरी मिली है। कानपुर हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी ने मकान नंबर 105/183 प्रेम नगर चमनगंज में फ्लैट बनाकर बेचे। ये फ्लैट अलग अलग 4 लोगों को बेचे गए। इसमें एक फ्लैट कसवाती टोली खैराबाद सीतापुर की रहने वाली सुजात अली की पत्नी सबिया खानम ने ख़रीदा। इसके अलावा एक फ्लैट एबी उन्नाव की रहने वाली मोहम्मद आरिफ की पत्नी आसमा बेगम को बेचा गया। सभी को नोटिस जारी किया गया है। वहीं केडीए से भी इस प्रॉपर्टी को लेकर जानकारी मांगी गई है। उधर राम जानकी मंदिर परिसर में कब्जा करके बाबा स्वीट हाउस के नाम से रेस्टोरेंट बनाने और कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोप में फंसे मुख्तार अहमद के बेटे महफूज उमर ने पत्नी नाजिया परवीन के नाम से एक संपत्ति दिल्ली जानकीपुरी की रहने वाली रमेश वाजपेयी की पत्नी मालती वाजपेयी से खरीदी है। इसमें भी स्टाम्प कम पाया गया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।